कार स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत ने कुपोषण की दरों में तेजी से सुधार किया है, बावजूद इसके हमारे देश में अभी भी कुपोषण की समस्या गंभीर है। खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्थिति और भी चिंताजनक है। कुपोषण से बच्चों का स्वास्थ्य, उनका शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही कुपोषण के कारण महिलाओं और वयस्कों की उत्पादकता बेहद प्रभावित होती है। देश में कुपोषण की चुनौती से पार पाने के मकसद से केंद्र सरकार ने साल 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। ये मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2021 को पेश आम बजट में पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करते हुए मिशन पोषण 2 की शुरुआत का ऐलान किया। आज के इस खास कार्यक्रम में हम पोषण के महत्व, देश में कुपोषण की स्थिति और इससे लड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक नजर डालेंगे। मानव पूंजी और मानव विकास के लिए बेहतर स्वास्थ्य का होना जरूरी है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर पोषण आवश्यक शर्त है। देश में कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2021-22 के आम बजट में मिशन पोषण 2 की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके तहत पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच और परिणाम को मजबूत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में पोषण संबंधी नीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की समस्या को दूर करने के साथ ही अधिक पोषण की वजह से पैदा हो रही लाइलाज बीमारियों की तेजी से बढ़ती समस्या है। इन समस्याओं को दूर करने और देश में कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पोषण को एक महत्वाकांक्षी मिशन के रूप में लिया है। इसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को साल 2021-22 का बजट पेश करते हुए मिशन पोषण 2 की शुरुआत की घोषणा की। टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट, डिलीवरी, आउटरीच एंड आउटकम, we will merge the supplementary nutrition program and the poshan abhiyan and launch the mission poshan 2.0. we shall adopt an intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. mission poshan 2 ka maksad poshangat matra, delivery, outreach aur parinam ko majboot banana hai। इसके लिए संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा। पोषणगत परिणामों में व्यापक सुधार लाने के लिए एक मजबूत कार्यनीति अपनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत देश के कुल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में पोषण संबंधी परिणामों को और बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाई जाएगी। आम बजट में महिला और बाल विकास मंत्रालय को आवंटित 24,435 करोड़ रुपए में से सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 को 20,105 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिलों का मतलब वैसे जिलों से है जो अन्य जिलों के मुकाबले सामाजिक और आर्थिक तौर पर कम विकसित हैं। देश में कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार लाइफ साइकिल अप्रोच अपनाकर पहले से ही राष्ट्रीय पोषण मिशन चला रही है, जिसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग की ओर से तैयार की गई नीति के तहत साल 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कराना है। इस योजना की मदद से अल्प पोषण, अनीमिया से पीड़ित बच्चे, गर्भवती महिलाएं या किशोर लड़कियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाना है।
साल 2019-20 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पहले चरण के दौरान किए गए सर्वेक्षण में 22 राज्यों में से 16 राज्यों में 5 बरस से कम आयु के बच्चों के कम वजन और उम्र के अनुसार कम लंबाई और कम शारीरिक विकास दर्ज की गई। इस सर्वेक्षण में 17 राज्यों की बाल कुपोषण की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसके मुताबिक कई राज्य बाल कुपोषण के कई मानकों में नीचे चले गए हैं। बाल कुपोषण के मानकों में चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चिल्ड्रन अंडरवेट और चाइल्ड मैटरनिटी रेट शामिल है। सर्वेक्षण के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों में चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चों में दुबलापन कम होने के बजाय बढ़ रही है। कई राज्यों जैसे तेलंगाना, केरल, बिहार, असम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चाइल्ड वेस्टिंग की दर में इजाफा हुआ है, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इस मानक पर स्थिर बने हुए हैं। चाइल्ड स्टंटिंग यानी बच्चों में नाटापन या कम लंबाई मानक में उम्र के अनुपात में बच्चों में वृद्धि मापी जाती है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में चाइल्ड स्टंटिंग का अनुपात बढ़ा है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015-19 के दौरान शिशु मृत्यु दर में थोड़ा सुधार हुआ है। चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर का मतलब 1 से 5 बरस के 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली मौत की संख्या है। इस सर्वेक्षण में कई बड़े राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल में चिल्ड्रन अंडरवेट यानी बच्चों की लंबाई की तुलना में कम वजन में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मिशन पोषण 2 देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार में न केवल सुधार करेगा बल्कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में भी काफी मददगार साबित होगा। इसके साथ ही ये स्वस्थ और संपन्न भारत के निर्माण की राह को और भी आसान बनाएगा। भारत में खासकर महिलाओं और बच्चों को कुपोषण मुक्त करने और उनमें एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या दूर करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों, खासकर छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। देश में छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी नतीजों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान के झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। दरअसल राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग की ओर से तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण नीति का हिस्सा है। इस नीति का मकसद साल 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कराना है। हमारे यहां बेटा हो या बेटी, उसका शरीर का जो विकास होना चाहिए वो रुक जाता है। कभी जन्म के समय ही बहुत ही कम वजन का बच्चा पैदा होता है और उसमें भी अज्ञानता बहुत बड़ा रोल करती है। हमें इस समस्या से बाहर निकलना है। और फिर भी मैं कहता हूं, ये सिर्फ सरकारी बजट से होने वाले काम नहीं है, ये तब होता है जब जन आंदोलन बनता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है, समझाया जाता है, उसके महत्व की ओर देखा जाता है। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारे बच्चों की जिंदगी सुधारना ये हम सबका दायित्व है और उसी के तहत इस योजना को एक मिशन मोड में और बिखरी हुई सारी योजनाओं को एक साथ जोड़ करके, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे दवाइयां की समस्या हो, चाहे पारंपरागत कठिनाइयां हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब देश में पोषण के क्षेत्र में
हम गर्व के साथ कह सके दुनिया के सामने कि हमने अचीव कर दिया है। और हम अपने बच्चों को देखें, उनको देखते ही हमारा दिन पूरा इतना बढ़िया चला जाए, ऐसे हंसते खेलते बच्चे हर पल नजर आए, जहां जाए वहां नजर आए, ये स्थिति हमें पैदा करनी है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का मकसद दूरदर्शिता और तकनीक के जरिए बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी और कम वजन के बच्चों के जन्म को रोकना है। इसके अलावा किशोरावस्था की लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर राष्ट्रीय पोषण मिशन के जरिए समग्र रूप से कुपोषण रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात आती है कि कुपोषण क्या है। तो जब किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत से कम पोषक तत्व मिलता है या जरूरत से ज्यादा पोषक तत्व मिलता है तो वो कुपोषण कहलाता है। कुपोषण में अल्प पोषण और अत्यधिक पोषण दोनों शामिल होते हैं। वही कुपोषण की ऐसी स्थिति जिसमें पोषक तत्व, गुण और मात्रा में शरीर के लिए काफी नहीं होते, यानी एक या एक से ज्यादा पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, तब वो अल्प पोषण कहलाती है। मसलन आयरन की कमी से अनीमिया होना। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य 6 बरस तक के बच्चों में बौनापन कम करना है। इसके लिए 3 बरस में 2% प्रति वर्ष की दर से 6% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह इसका एक मकसद 6 बरस तक के बच्चों में कुपोषण की वजह से वजन की कमी की समस्या को कम करना है। इसके लिए भी 3 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 6% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत 5 से 59 महीने तक के छोटे बच्चों में खून की कमी की समस्या में कमी लाना है। इसके लिए प्रतिवर्ष 3% की दर से 3 सालों में 9% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का मकसद 15 से 49 आयु वर्ग की किशोरियों और महिलाओं में भी मौजूद खून की कमी यानी अनीमिया की समस्या को भी कम करना है। इसके लिए प्रतिवर्ष 3% की दर से 3 साल में 9% की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही इस योजना के तहत नवजात शिशु के जन्म के समय वजन में कमी की समस्या को भी कम करना है। इसके लिए 3 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 6% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत सन 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर बौनेपन को 38.4% से घटाकर 25% तक लाना है। इस कार्यक्रम के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए राष्ट्रीय पोषण मिशन को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन को तेजी से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठित 3 पोषण समितियों, राष्ट्रीय पोषण परिषद, राष्ट्रीय पोषण मिशन की कार्यान्वयन समिति और नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रिशन भी काम करती हैं। ये समितियां भारत में पोषण के संदर्भ में नीतिगत निर्देश प्रदान करने, अलग अलग योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पोषण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। देश में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए सरकार कई स्तरों पर लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए न सिर्फ राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई, बल्कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी शुरू की गई। इसके साथ मिड डे मील और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिए भी पोषण मिशन को सफल बनाने की पूरी कोशिश जारी है। देश में कुपोषण की समस्या को कम करने की गति को और ज्यादा तेज करने के मकसद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर सन 2020 में 3रे राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। राष्ट्रीय पोषण माह 2020 के दौरान 2 कार्यों पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया। गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों की पहचान और ट्रैकिंग, बुनियादी स्तर पर किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण अभियान। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कुपोषण से निजात दिलाने में सभी से योगदान करने की अपील की। पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जाएगा।
आप जरूर इससे जुड़िए, जानकारी लीजिए, कुछ नया जोड़िए, आप भी योगदान दीजिए। अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं, मतलब हम देश को कुपोषण से बाहर लाते हैं। यही नहीं, सितंबर 2020 में ही पोषण अभियान के तहत कुपोषण को रोकने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता भी किया गया। इसके तहत देश में माताओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या रोकने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आयुष आधारित समाधानों पर भी काम किया जाएगा। दरअसल भारत में ज्यादातर आबादी अच्छा और पौष्टिक भोजन ना मिलने की वजह से कम वजन का अक्सर शिकार रहती है। यही वजह है कि गर्भवती महिलाएं भी स्वस्थ नहीं रह पाती और बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं हो पाता है। इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय न्यूट्रिशन मिशन यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। किसी भी देश की प्रगति वहां के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य से सीधे जुड़ी हुई है। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की लगातार कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कई राज्यों में कुपोषण से मौत के मामले में स्थिति गंभीर बनी हुई है। देश में कुपोषण की स्थिति में बीते कुछ सालों में सुधार हुआ है, हालांकि हालात अभी भी गंभीर हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में करीब 50% से ज्यादा मौत के पीछे कुपोषण ही वजह है। देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार मिशन मोड में काम करते हुए लगातार कोशिश कर रही है। पिछले 2 दशक में कुपोषण से मौत के मामले में हमारे देश ने काफी सुधार किया है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी स्थिति चिंताजनक है। देश में सालाना करीब 14 लाख बच्चों की मौत हो रही है, जिसमें से 7 लाख से ज्यादा मौतें कुपोषण से हो रही हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की स्थिति ज्यादा ही गंभीर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक भारत के 38% बच्चों की लंबाई कम है, वहीं 21% बच्चों का वजन उनकी लंबाई के अनुपात में काफी कम है, जबकि 35% से ज्यादा बच्चों का वजन कम है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 5 बरस तक की आयु के ज्यादातर बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं। 5 से कम आयु में ही मरने वाले कुल बच्चों में कुपोषण से मरने वाले बच्चों का प्रतिशत सबसे अधिक बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है, जबकि सबसे कम केरल, मेघालय, तमिलनाडु और मिजोरम तथा गोवा में है। 39% बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास कम है। इनमें से सबसे ज्यादा 49% उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में प्रति 1 लाख में से 60,000 बच्चों का जीवन गंभीर चुनौतियों से घिरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस गंभीर श्रेणी में राजस्थान, बिहार और असम को भी रखा है। देश में 33% बच्चे कम वजन से पीड़ित हैं। झारखंड में 42% बच्चे कम वजन के मिल रहे हैं। देश में अनीमिया से पीड़ित बच्चे करीब 60% हैं, वहीं 54% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। दिल्ली की महिलाओं में सबसे ज्यादा अनीमिया की समस्या पाई जाती है। लगभग सभी राज्यों में कुपोषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बाकी राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में मोटापा बढ़ने की दर सबसे ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक कुपोषण के सबसे ज्यादा मामले बिहार में पाए गए। बिहार में 5 साल से कम उम्र के करीब 48.3% बच्चे शारीरिक रूप से अविकसित है। बिहार के बाद कुपोषण के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश में पाए गए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक बिहार में 48.3%, उत्तर प्रदेश में 46.3%, झारखंड में 45.3%, मेघालय में 43.8% और मध्य प्रदेश में 42% कुपोषित बच्चे हैं। जबकि पूरे देश का आंकड़ा लें तो ये 35.7% है। बच्चों की सेहत को लेकर एक और समस्या सामने आ रही है। बच्चे प्री डायबिटिक मिल रहे हैं। 10 से 19 बरस की आयु के बीच करीब 9% बच्चे प्री डायबिटिक हैं। 1990 में भारत में कुपोषण की वजह से होने वाली मौत की दर प्रति 1 लाख पर 2,336 थी। ये 2017 में घटकर 801 पर पहुंच गई है।
पोषण की कमी और बीमारियां कुपोषण के सबसे प्रमुख कारण हैं। इसकी बड़ी वजह बच्चों को उचित पोषण आहार नहीं मिलना है। देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन है। सितंबर महीने को पोषण महीने के रूप में मनाया जाता है। इन सब के बावजूद कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर राज्यों को व्यापक कदम उठाने की जरूरत है। आजादी के 74 बरस बाद भी भारत कुपोषण जैसी समस्या को समाप्त नहीं कर पाया है। हालांकि आजादी के बाद से भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन कुपोषण का मामला चुनौती बना हुआ है। कुपोषण की समस्या खाद्यान्न की उपलब्धता ना होने के कारण नहीं है, बल्कि आहार क्रय करने की क्रय शक्ति कम होने के कारण है। गरीबी के कारण क्रय शक्ति कम होने और पौष्टिक आहार की कमी के कारण कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अनीमिया, घेंगा और बच्चों के हड्डियों के कमजोर होने की समस्या से शिशु मृत्यु की दर बढ़ जाती है। सरकार की ओर से पिछले 2 दशकों में अल्प पोषण और कुपोषण पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें मिड डे मील, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ई पोषण व्यवस्था अभियान, समेकित बाल विकास सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मनरेगा जैसे कदम शामिल हैं। हालांकि इन सभी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के अभाव में अभी भी कुपोषण से लड़ाई चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। कुपोषण आर्थिक विकास की असमानताओं और विकास के असंतुलन का भी परिणाम है। इस हालात में बदलाव लाकर ही कुपोषण की समस्या से निपटा जा सकता है। पोषण की स्थिति में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में संरचनात्मक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। ऐसा करके ही 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत और सन 2030 तक गरीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए कुपोषित परिवारों की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए भारत में पोषण के कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन में बदलना होगा, जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय निकायों, सामाजिक संगठनों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की व्यापक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।